नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूं मैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूं कि 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों को अब मिलेगा लोन। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज मिलेगा। इसके साथ साथ 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले, जो रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं, उनको मिलेगा लोन। और कैसे मिलेगा ये लोन, किसको मिलेगा लोन, कब मिलेगा और कैसे इसके लिए अप्लाई करना होगा, ये सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आपके फायदे से जुड़ी हर एक जानकारी मिलती रहे। तो बात करते हैं इसके बारे में कि मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के बूस्टर में हर सेक्टर और हर वर्ग का ख्याल रखने की कोशिश की है और ये दिखाई भी दे रहा है। इस पैकेज के ब्रेकअप का जो हिस्सा है जनता के सामने रखते हुए वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, शहरी गरीबों और छोटे व सीमांत किसानों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों, किसान और गरीब हमारी प्राथमिकता है। संकट आने पर हमने सबसे पहले गरीब के खाते में पैसे पहुंचाए हैं। लॉकडाउन जरूर है लेकिन सरकार लगातार दिन रात काम कर भी रही है और ये आपको दिखाई भी दे रहा है कि सरकार काम कर रही है। और दूसरे चरण में घोषणाओं में प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लोन की सुविधा और किसानों के लिए 30,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड की सुविधा की भी बात की गई है। आइए बता दूं आपको कि क्या क्या बड़ी बातें हुई हैं इसमें। प्रवासी मजदूरों के लिए अगर बात करें तो 2 महीनों के लिए प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त अनाज की बात की गई है। बिना कार्ड के भी अब आप चावल, गेहूं और चना ले सकते हैं। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उन तक अनाज जो है वो पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार इसका खर्च उठाएगी, 3500 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। 10 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में ईएसआई की सुविधा होगी। जो नेशनल फूड रजिस्टर में नहीं आते उनको भी 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को लाभ मिलेगा। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल आवास की योजना भी लाई है। कम किराए पर भी आपको अब घर मिलेगा। मतलब जरूरी नहीं आपको कि किसी आप शहर में रहते, किसी जगह रहते हैं तो महंगे किराए पर रूम लेने की जरूरत नहीं है। जहां मजदूर काम करते हैं इससे वहीं रहने की सुविधा आपको मिल सकेगी। उद्योगपति अपनी जमीन पर बनाना चाहें तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा या राज्य सरकारों को प्रेरित कर ऐसे आवासीय इंतजाम कराए जाएंगे। रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन मिल सकेगा। तो जैसी बात मैंने शुरू में कही थी, तो लोन की जो बात मैंने शुरू में कही थी वही मैं आपको बता रही हूँ कि रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वालों, ठेला चलाने वालों और जो मजदूरी वगैरह करते हैं उनके काम करने वालों के लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए जाएंगे। 50 लाख रेहड़ी वालों के लिए स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी है। शुरुआत में वर्किंग कैपिटल करीब 10,000 रुपए मिलेंगे। जिसने कारोबार की शुरुआत हो सके, डिजिटल पेमेंट करने वालों को इनाम मिलेगा। उन्हें 10,000 से ज्यादा राशि मुहैया कराई जाएगी तो उनको मिलेगा। शिशु मुद्रा लोन, जिसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने 3 महीने का मोरेटोरियम दिया है लेकिन इसके बाद समस्या हो सकती है। तो शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपए तक लोन लेने वालों को मोरेटोरियम के बाद 2% सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीनों के लिए होगा। 3 करोड़ को इससे फायदा और 3 करोड़ लोगों को इससे कुल 1500 करोड़ रुपए का फायदा जो है वो मिलेगा। किसानों को इसमें क्या मिलने वाला है बता दूं आपको, 3 करोड़ किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड की सुविधा और 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है ये पैसा। रबी फसल के लिए भी इसमें पैसा दिया गया है। आरआरबी के जरिए किसानों तक पहुंचेगा ये पैसा। छोटे किसानों को रियायती दरों पर 4 लाख करोड़ का लोन। मछुआरों और पशुपालन करने वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से मदद मिलेगी। बहुत सारे बड़े ऐलान भी किए गए हैं। अब मैं पूरा इसमें आपको बताऊंगी तो वीडियो बन जाएगी मेरी आधे घंटे से ज्यादा की। तो मैंने आपको मेन चीजें बता दी है कि किसको क्या मिलने वाला है। और रेहड़ी पटरी वालों को जहां तक लोन की बात है वो मैंने आपको बता दी है। डिस्कॉम के लिए 90,000 करोड़ रुपए का ऐलान जो है वो किया गया है। रियल एस्टेट डेवलपर जो है उनके जो 25 मार्च या उसके बाद प्रोजेक्ट पूरे होने थे, इस प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन और कम्पलीशन की जो टाइमलाइन है उसको बढ़ा दिया गया है। और रेलवे, सड़क परिवहन, राजमार्ग और सीपीडब्ल्यूडी जैसे सेंट्रल एजेंसियों के कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 6 महीने का और वक्त दिया गया है। और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें फायदा सरकार ने करवाया है बता दूं आपको। तो मैं आपको बता चुकी हूं कि रेहड़ी पटरी वालों को लोन मिलेगा, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बैंक में जाकर। और कुछ जानना चाहते हैं कि लोन कैसे मिलेगा और किसको मिलेगा, किस तरह के और भी लोन है कई तरह के जो मिलने वाले हैं आपको। मुद्रा लोन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, आप पीछे की वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और अगर और जानकारी चाहते हैं, आपके फायदे से जुड़ी जानकारियां आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ साथ आप जो भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं जिसमें गरीबों का फायदा है, आम आदमी का फायदा है, मिडिल क्लास फैमिली का फायदा है, वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करूंगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और जानकारी
मैं आप तक लेकर आती रहूंगी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।